हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की आपकी सीरीज़ जो कि होने वाली है डे 18 एंड आरआरबी क्लर्क मेंस का आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका लाइंड अप है। सो उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर करते रहिए। आरबीआई असिस्टेंट भी आ रहा है एंड काफ़ी एग्ज़ाम में कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो उनके लिए प्रिपेयर करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगी एंड पीडीएफ्स भी प्रोवाइडेड करा दी जाएंगी। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके लास्ट 6 मंथ्स के हैं उसके लिए भी एक सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ। सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। सो फर्स्ट है यहाँ पे डैश आर दी अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन। सो अगर आपके सिस्टम में कोई ऑब्टेन करना चाहता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू और वो खुद को ऐसा दिखाते हैं कि वो लेजिट आइडेंटिटी है बट वो एक फॉल्स आइडेंटिटी होते हैं, तो आपको ये जो अटेम्प्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिशिंग, कंप्यूटर वायरसेस, स्पाइवेयर स्कैम्स, वायरसेस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फिशिंग। सो फिशिंग एक तरह का यही अटेम्प्ट होता है, इंटरनेट फ्रॉड स्कैम होता है जो कि सेंडर को ईमेल भेजता है तो सेंडर को लगता है, जो रिसीवर होता है उसको लगता है कि हमें कुछ लेजिट ईमेल्स आ रहे हैं एंड उसके रिगार्डिंग वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड कर देते हैं या तो कहीं ना कहीं उन ईमेल से वो जो हैक कर लेते हैं पूरे कंप्यूटर को और कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकते हैं आपको गलत वे में। सो वो होता है फिशिंग। द नेक्स्ट है वो सेक्शन ऑफ सीपीयू जो सिलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूशन को देखता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के, उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्रोग्राम जो है वो स्प्लिट हो जाता है फिक्स साइज प्रोग्राम कंपोनेंट्स में जिन्हें पेजेस कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पेजिंग। सो पेजिंग क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्रोग्राम है वो फिक्स साइज प्रोग्राम कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा जिन्हें पेजेस कहा जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है पेजिंग, ठीक है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि करेंटली होल्ड करता है वन रिसोर्सेज एटलीस्ट एंड रिक्वेस्ट करता है एडिशनल रिसोर्सेज के लिए जो कि होल्ड किए जाते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ होल्ड एंड वेट। सो होल्ड एंड वेट और रिसोर्स होल्डिंग जो है वो इस तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस डैश इज प्रोसीजरल कोड। इनमें से कौन सा प्रोसीजरल कोड है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है रिस्पॉन्स को सर्टेन इवेंट्स में ऑन अ पर्टिकुलर टेबल इन डेटाबेस? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ ट्रिगर। सो डेटाबेस ट्रिगर जो है वो प्रोसीजरल कोड है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है रिस्पॉन्स को टू सर्टेन इवेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टेबल इन डेटाबेस। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू रीकैप्चर द डेटा नॉर्मली DVD फॉर्मेट? सो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम जो है इनमें से कौन सा है जो कि डिज़ाइन किया गया है जो कि आपका डेटा है उसे DVD फॉर्मेट में कैप्चर करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्लू रे डिस्क। सो ब्लू रे डिस्क आपकी ऑप्टिकल डिस्क है जो कि DVD फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकती है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि पोस्ट करता है अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स ऑन क्लाइंट्स कंप्यूटर? सो क्लाइंट के कंप्यूटर में अनवांटेड ईमेल्स, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट, आप देखते हैं जो भी आपको एड्स नहीं चाहिए होते हैं तब भी वो आपके सामने आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज़ ऑप्शन फोर, दैट इज़ एडवेयर। सो और एडवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स आपके में पॉपअप करते हैं। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि होल्ड करता है मैनी ऑफ द क्रूशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और कनेक्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड में जो होता है वो आपका CPU, मेमोरी एंड कनेक्टर्स होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, ठीक है। द नेक्स्ट इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट करता है डिवाइस मैनेजमेंट की तरह जो कि ट्रैक रखता है डिवाइसेस का। आपको बताना है चैनल एंड कंट्रोल यूनिट्स किन्हें कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो ट्रैक करता है स्टेटस ऑफ ऑल डिवाइसेस, कंट्रोल यूनिट और चैनल्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट? सो आप सभी जानते हैं कि अब तो काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई हैं तो अगर किसी चीज़ को हमें ख़रीदना है या बेचना है तो उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, दैट इज़ ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स क्या होता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है परफॉर्म किए जा सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द ईज, कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी दैट इट प्रोवाइड्स।
देन नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है और लार्ज सिस्टम में इन्हें बिल्ड किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एम्बेडेड ओएस, यानी कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है इनटू लार्जर सिस्टम्स। देन नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्टेबल स्टेट है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। सो जब आपका ट्रांजेक्शन जो है उसका एग्जीक्यूशन होता है, जब वो फाइनली एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उससे पहले कौन सा स्टेबल स्टेट होता है एंड स्टेबल स्टेट आफ्टर और कौन सा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन होता है। देन आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी, ठीक है। देन नेक्स्ट इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो कि यूज़ की जाती है अगर आपको कोई करेक्टर को डिलीट करना है जो कि लेफ़्ट साइड है कर्सर के और मूव करता है उसी पोजिशन में। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बैक स्पेस। तो जो ऑप्शन सी है यानी कि बैक स्पेस जो है वो आपका लेफ़्ट साइड में करेक्टर्स को डिलीट करता हुआ चलता है, मतलब कि अगर आपको जो डिलीट करना है सो दैट विल डिलीट द वर्ड्स एंड करेक्टर्स इन द लेफ्ट साइड लेफ्ट वे ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है फॉर प्रोग्राम्स जो कि ऑटोमेटिकली सबमिट करते हैं सर्च रिक्वेस्ट को टू सेवरल सर्च इंजन साइमल्टेनियसली। तो ये क्या करते हैं कि आपके जो भी सर्च रिक्वेस्ट हैं उन्हें ऑटोमेटिकली डिफरेंट सर्च इंजन में साइमल्टेनियसली आपका जो है वो रिक्वेस्ट कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो आपको बताना ये कौन से होते हैं, दैट इज़ ऑप्शन ए, मेटा सर्च इंजन। सो मेटा सर्च इंजन जो है वो सर्च टूल है जो कि आपको वेरियस सर्च इंजन में इनके डेटा जो है उन्हें सर्च डेटा जो है उन्हें शेयर कर देता है। देन नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर वर्किंग विद रिलेशन डेटा बेसिस। सो रिलेशनल डेटा बेसिस के साथ काम करने के लिए इनमें से कौन सा वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर टूल जो कि एनेबल करते हैं यूज़र को टू इंटरनेट विद कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि एनेबल करते हैं यूज़र को टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, स्प्रेडशीट्स हो गए, स्प्रेडशीट्स पे आप अपनी जो फाइल्स हैं वो बना सकते हैं, PPT हो गई, ये तरह के आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। देन नेक्स्ट इनमें से कौन सा टर्म है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, दैट इट रिक्वायर्स कंसीडरेबल डिस्क स्पेस एंड मेमोरी रिसोर्सेज टू रन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्लोटवेयर। सो ब्लोटवेयर्स में क्या होता है कि अनविडली आपके बहुत सारा डेटा होता है, यूजलेस फीचर्स होते हैं, तो जो जब ऐसा होता है तो उसे कहा जाता है ब्लोटवेयर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विच वन इज़ एड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर। सो ये एक एडेड फंक्शनैलिटी है आपके कंप्यूटर में जो कि हेल्प करती है कंप्यूटर को परफॉर्म बेटर। सो एक तरह से अपडेट करना चाहते हैं आप कंप्यूटर में तो उसके लिए है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम। सो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो आपके ऐड ऑन प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर और अच्छे से परफॉर्म करे। देन नेक्स्ट 10 में से कौन सा पीस ऑफ कोड है जो कि इंटेंशनली इंसर्ट किया जाता है इनटू अ कंप्यूटर्स मेमोरी जो कि मलिशियस फंक्शंस हैं उन्हें जो है सेट ऑफ कर देगा, उन्हें हटा देगा व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशंस आर मेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ लॉजिक बॉम्ब, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनमें से विच वन इज़ यूज इन अ प्रोग्राम, इनमें से कौन से प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है जब एग्जीक्यूट करना होता है पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली भेजने हैं, बार बार भेजने हैं, तो उसके लिए आप लूपिंग का यूज़ करते हैं। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस एंड आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वही क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इनसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सेशन अच्छा लगा है डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।